अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक है टुडे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट इन एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। एजुकेशन जो है, आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या है और इसके क्या तरीकेकार है, हम अपनी जो मैनेजमेंट है उसको किस कॉन्सेप्ट के थ्रू लेकर चलते हैं और उसको मैनेज कैसे किया जाता है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि हमें जैसे कि लोगों को के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे मुराद वो तमाम वर्कर्स हैं या अमला है जो डिसीजन साजी का जो फैसला का हक रखते हैं और जिम्मेदारी रखते हैं। ये अफराद जो है तमाम ऑर्गेनाइजेशन को के सेट गोल्स और पॉलिसीज के तहत चलाते हैं और ये है कि मैनेजमेंट का जो बेसिक एम है उसके मादी वसाइल और अफरादी जो कुव्वत यानी लोगों की जो स्ट्रेंथ है उसके साथ जो गोल्स को हसूल के लिए हम एक अपने गोल सेट करते हैं, अपनी रास्ते जो है उनको सेटल डाउन करते हैं, हमवार करते हैं। तो अमूमन किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है काउंसिल या बोर्ड ऑफ गवर्नर की कंडीशन में बयान करते हैं और उसको वो हैंडल करते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि आपका बेसिक एलिमेंट हमारे जो है वो कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन के वो क्या है और बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या है और उनको कैसे हम हैंडल करते हैं। द टर्म मैनेजमेंट हैज टू मीनिंग, इसके बेसिकली दो मीनिंग्स हैं, जिसमें नंबर वन है कि मैनेजमेंट एज अ ग्रुप ऑफ फंक्शनल पीपल। एक ये है कि जो आपकी मैनेजमेंट है हमारा ग्रुप को फंक्शन करके लोगों का जो ग्रुप बनाते हैं उसके थ्रू चलाई जाती है। द टर्म मैनेजमेंट रेफर्स टू द पर्सनल इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु हैव द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड रन द इंटरप्राइज एफिशिएंसीज एफिशिएंटली विद इन द पॉलिसी डिफाइंड इन दिस वे। तो इसमें वो बताते हैं कि हमें जो आपकी जो मैनेजमेंट है उसमें ये अपनी जो एक तो वो अपने जो हक रखते हैं या जो उनके राइट्स हैं और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं और उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उनके थ्रू रन द एंटरप्राइज एफिशिएंटली वो उन तमाम अपनी जो ड्यूटीज है ये जो अपने काम है उनको ऑर्गेनाइजेशन है उसको चलाने के लिए एफिशिएंटली काम करते हैं और उन पॉलिसीज जो उनको डिफाइन की गई है या जो काम उनको दिया गया उनको वो बेहतर अच्छे तरीके से चला रही होती है। मैनेजमेंट एज परफॉर्म प्रोसेस एक्टिविटी, द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू द फंक्शन और एक्टिविटी ऑफ मैनेजिंग रिसोर्सेज टास्क एंड अदर पर्सन इन ऑर्डर टू अचीव द डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। दूसरा अब ये है कि मैनेजमेंट एज अ परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट जो है आपकी जो मैनेज करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वो अपनी परफॉर्मेंस अपना प्रोसेस और अपनी एक्टिविटीज को कैसे लेकर चलता है। तो उसमें ये कि मैनेजमेंट आल्सो यूज टू रेफर टू द फंक्शन ऑफ एक्टिविटी, जो मैनेजमेंट है या जो मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने फंक्शंस को एक्टिवली परफॉर्म करने के लिए मैनेज करता है, रिसोर्स करता है और लोगों को टास्क देता है ताकि वो उसको अचीव कर सकें और अपने जो मैक्सिमम आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो आपके गोल्स हैं उनको आप अचीव कर सकें। उसमें हम ये देखते हैं कि ज़ाहिर है जो आपके टारगेट्स होंगे, आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें, फॉर स्कूल से रिलेटेड ले लें, जैसे कि स्कूल में अब हम बच्चों को चलाने के लिए जब आप कोई भी इदारा कायम करते हैं, आप कोई भी ऐसी स्कूल हायर करते हैं तो आपको गवर्नर ऑफ बोर्ड से या डायरेक्टर से एक तो मंजूरी लेनी है कि हम वहाँ पे स्कूल खोल रहे हैं। फिर आपने जब आप स्कूल का एरिया हायर कर लेंगे, जब आप ज़मीन खरीद लेंगे, फिर आपने वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, आपने फिर देखना है कि उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कितना पैसा बजट है वो होगा, हम कितनी बिल्डिंग बनाएंगे, उसको चलाने के लिए आगे आपने कितने वर्कर्स रखने हैं, हर डिपार्टमेंट में आपको कितने टीचर्स की ज़रूरत होगी। तो इस तरह जो है ये उसकी परफॉर्मेंस और को कैसे चलाना है, तो ये फिर मैनेजर जो है वो अपनी इस परफॉर्मेंस को लेकर चलते हैं और अपने गोल्स को अच्छे तरीके से अचीव करने की कोशिश करते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन
relationship among organization administration management, कि आपकी जो organization है वो कैसे उसने relationship क्या होगा उसका administration कैसे manage करेगी. तो organization refers to the form of enterprises or institutions and the arrangement of the human and material resources functioning in a manner to achieve the objectives of the enterprises. इसमें ये हमने देखने कि उसकी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये जो आपकी वो अपनी फॉर्म को इंटरप्राइज करने के लिए इंस्टीट्यूशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ह्यूमन कि वो जो इंस्टीट्यूट बना रही है एंड अरेंजमेंट ऑफ द ह्यूमन और जो उसने अमला रखना है उसकी अरेंजमेंट कैसी करनी है, आपके पास मटेरियल कैसा होगा, आपके पास रिसोर्स पर्सन कैसे होंगे, फंक्शन इन अ मैनर टू अचीव द और आपने जो फंक्शन है उनको कैसे जो है मैं बेहतर तरीके से अचीव करने के लिए आपने अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे सेटल डाउन करना है. देन एडमिनिस्ट्रेशन आपकी फिर ऑर्गेनाइजेशन को आपने बनाना उसको सर उसके बाद आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है. जाहिर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है. हर एक इदारे में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही होती है. वो अपने मेजर टारगेट्स को सेट करने के लिए is concerned with the determination of corporate policies and overall coordination of production, distribution and finance. फिर एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइजेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी तमाम तरह जिम्मेदारियां जो है सौंप देती है. कंसर्न विद द डिटरमिनेशन ऑफ कॉरपोरेशन उनकी कॉरपोरेशन से पॉलिसीज एंड ओवरऑल कोऑर्डिनेशन वो कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाती हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेशन उन पॉलिसीज अच्छा जी मैनेजमेंट आ जाती है. आपने ऑर्गेनाइजेशन को जो रिलेशन है उनमें पहले हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन आई, ऑर्गेनाइजेशन ने फिर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपा जिम्मेदारियां, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने आगे मैनेजमेंट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अपने अजान हो रही है, अजान के बाद क्लास स्टार्ट करती है, क्या ख्याल है? आजान हो जाए तो फिर आपके पास मैनेजमेंट आ जाती है. मैनेजमेंट रेफर्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी विद इन द लिमिट्स व्हिच आर एस्टेब्लिश्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज रिक्वायर्ड. तो मैनेजमेंट जो है वो अपनी पॉलिसी जो है एस्टेब्लिश करती है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज रिक्वायर्ड और वो उन अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए जहाँ जहाँ उनको लोगों की चीजों की रिक्वायर होता है उसको वो कर रही होती है. फिर रिक्वायर होती है तो वो लोगों को फिर हायर करती है ताकि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो है ज्यादा से ज्यादा आए और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर अच्छे तरीके से काम कर सके और उस ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर तरीके से चलाया जाए. फिर आपके पास रिलेशनशिप आ जाता है. शेल्डन स्टेट ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एन इफेक्टिव मशीन मैनेजमेंट ऑफ एन इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन इफेक्टिव डायरेक्शन. तो शेल्डन जो था वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एन इफेक्टिव मशीन कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक इफेक्टिव मशीन है मैनेजमेंट की ऑफ एन इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एंड इफेक्टिव कि वो आपको जो रिलेशनशिप है आपके ऑर्गेनाइजेशन का उसका होना बहुत जरूरी है. जब तक आप अपनी लोगों से आपका ताल्लुक अच्छा नहीं होगा, आप अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ अच्छे तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से बोलेंगे नहीं, अच्छे तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कभी जो है कामयाब नहीं हो सकती. इसलिए जो रिलेशनशिप है उसका होना बहुत जरूरी है ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने टारगेट्स अचीव कर सके, अपने गोल्स को काम जो है वो अचीव कर सके और वो ज्यादा से ज्यादा अपने काम में आगे हो. कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट के कौन कौन से आपके एलिमेंट्स हैं जिसमें आपको मैनेजमेंट जो आपकी बेहतर हो सकती है और आप अपनी मैनेजमेंट में किन किन एलिमेंट्स को लाकर बेहतर और अच्छे तरीके से चला सकते हैं
उसमें जो एक स्कॉलर है फॉयल, उन्होंने 1957 प्रेजेंटेड द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट. उन्होंने 1957 में जो अपना एक प्लान शेयर किया और एलिमेंट्स, उसमें उन्होंने कौन कौन से एलिमेंट्स जो थे लगाए, उन्होंने कहा कि जो आपका प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, POCCC के नाम से, कल भी हमने पढ़ा था, कुछ कल राइटर्स थे, स्कॉलर्स थे जिन्होंने अपना प्लान शेयर किया, मगर फॉयल का जो प्लान था वो उनसे भी ज़रा बेहतर निकला. तो उन्होंने 1957 में जो POCCC के नाम से जो प्लान था उसमें उन्होंने प्लानिंग को किया, फिर ऑर्गेनाइजिंग की, कमांडिंग की, कोऑर्डिनेटिंग की एंड कंट्रोलिंग की. तो इससे उन्होंने प्लानिंग जो थी वो कहते हैं कि प्लानिंग में, प्लानिंग जो है ये है कि रोम्स का भी कहना है कि प्लानिंग से काम की जो डायरेक्शन का एक तो तयन होता है और जो इससे रिलेटेड जितने भी काम है हमें कंटिन्यूस उस काम को हम बरकरार रख सकते हैं और फजूल जो एक्टिविटीज़ है जिनसे आपका वक्त जो है वो ज़ाया होता है, प्लानिंग में आपके एम्स का तयन, आपकी पॉलिसीज की सेटलमेंट और उसके मेथडोलॉजी और रूल्स और उससे रिलेटेड जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको शामिल करते हैं और ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन अफराद को आगाह किया जाता है. इस ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसमें उन लोगों को जो है इन्फॉर्म किया जाता है जिनको वो रखते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट चलाने के लिए, उन लोगों को ट्रेन किया जाता है, उनको इससे बताया जाता है. फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, आपके जो गोल्स हैं और आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं उनको कंप्लीट तश्कील देने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लानिंग के तहत ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग काम जो है वो तरबियत दिए जाते हैं. एक प्रैक्टिकल के लिए तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपस में मिलकर काम करने की करती है और उनको करने की जरूरत भी पड़ती है और उन उस नीड्स के थ्रू वो अपने तमाम तक जो है वो चीजें सीख रहे होते हैं. फिर कमांडिंग आ जाती है आपकी कि आप कमांड कैसे करते हैं. जाहिर है कमांडिंग में भी आपको पता है कि कैसे कमांड करना है. जब तक कमांड करने वाला कोई बंदा कोई मैनेज करने के वाला बंदा एक्सपर्ट लोगों को कमांड देगा, उनको अपने अपने जो टास्क दिए उनको वो प्रॉपर तरीके से सिखाएगा, उनको बताएगा, तो वो आगे कमांड कर सकेंगे, अदरवाइज इट इज़ डिफिकल्ट फॉर देम. सो फिर कोऑर्डिनेटिंग आ जाती है. कोऑर्डिनेटिंग जो है वो एक इस लिहाज से है कि इसमें हम जैसे कि स्कूल्स में जब आप भी B.Ed का आपने कोर्स किया होगा तो आप स्कूल में बच्चों को टीचर्स जो है वो कोऑर्डिनेट करने के लिए समटाइम बच्चे को जो टॉपर बच्चा होता है उसको ये कहते हैं कि तुमने मेरा जो पोर्टफोलियो है उसको प्रॉपर तरीके से रोल नंबर वाइज या नेम वाइज आपने रखना है, आपने अपनी जो कबर्ड में जितने भी आपके टूल्स हैं ये चीज़ें. टीचर जो है वो अपने बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसको देती है कि आपने ये है और फिर वो बच्चा जो आगे अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मजीद काम के लिए लगाते हैं. इस तरह टीचर जो है वो जितने भी सब्जेक्ट है उसमें से एक जो कोऑर्डिनेटर होता है वो टीचर्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए प्लान देते हैं कि आपकी इस दफा आपकी ये टर्न है और आपने जो पूरे वीक में बढ़ाना आपने उसके तहत प्लानिंग करनी है और आपने ये जो प्लानर है वो लिखना है. तो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक टीचर होती है जो सब टीचर्स को उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी टीचर्स उनको गाइड करती है, उनको बताती है, उनको कोऑर्डिनेशन करती है कि आपने इस तरह पढ़ाना है, आपने इस तरह की प्लानिंग करनी है, आपने वीक में इस तरह कोऑर्डिनेटिंग के लिए जाहिर है आप हमें आप अमला रखेंगे उसको आप बेहतर और अच्छे तरीके से तभी करा सकेंगे. तो कंट्रोलिंग जो है वो ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें के जरिए जो आपकी कंट्रोलिंग में अपने जो आपके गोल्स हैं उनमें कामयाबी के एनालिसिस किया जाता है और उसके जो टारगेट्स हैं जो आपको रिजल्ट अचीव करते हैं उसके प्लानिंग में उसके रिजल्ट का एनालिसिस किया जाता है. मीन्स इन रिजल्ट के माजे में अंजाम दी जाने वाली एक्टिविटीज के साथ साथ तकाबली जायजा लिया जाता है और कंट्रोलिंग
एंड समर इन 1981 प्रेजेंटेड द फॉलोइंग. फिर उसके बाद न्यू मैंने भी अपना एक प्लान जो था उसने मैनेजमेंट का शो किया, तो उसने भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड मेरी, उसने जो था वो POSLCM के, यानी उसने कुछ और चीज़ें ऐड की ताकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो मैनेजमेंट है उसमें और भी उसने कुछ पॉइंट्स जो थे वो शेयर किए ताकि हमारा जो काम है वो ज़्यादा बेहतर और अच्छे तरीके से हो. तो उसने फिर प्लानिंग की, फिर ऑर्गेनाइजिंग की, उसमें स्टफिंग भी उसने डाली, और फिर लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड मेरिंग. कमांडिंग और लीडिंग तकरीबन मिलती जुलती है. उसमें उसने लूथर एंड ग्लूक 1961 सजेस्ट द मोस्ट पॉपुलर मॉडल इन. लूथर एंड ग्लूक ने भी जो था वो भी उसने भी ये कहा कि रिपोर्टिंग या कम्युनिटी के जो है के इंतजाम शाम को हम ये कह सकते हैं कि डिसीजन जो है वो आपके लीडरशिप एंड तरगीबात ये सब पर होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में अपने मातहतों के साथ जो आपकी ऑब्जर्वेशन है या मुकम्मल अहलियत और इनकी तरफ से मिलने वाले रद्दमल को हौसला अफजाई करने की सलाहियत होनी चाहिए, और जो आपके ऑर्गेनाइजर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके दूसरे मेंबर्स तक अपना जो आपका मैसेज है वो पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ रिसोर्सेज जो है वो अपनाने चाहिए. और जैसे कि सर्कुलर लेटर है, सर्कुलर आता है, लेटर्स आते हैं, बुक्स टेलीफोन या कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है वो शो कर रहे होते हैं. लूक ने भी जो था वो लीडरशिप में बेहतरीन जो आपकी लीडरशिप है उसमें ऑर्गेनाइजेशन के अमल अंजाम दे सकती है. हजार तहकीकात और कुतुब में क्यादत की नजरियात और मनसबी मॉडल्स और टेक्निक्स वगैरह पर जोर दिया जाता है, और आपकी जो लीडरशिप करने का अमल अफराद के दरमियान असर पजीरी कायम करने से बार बार अबलागी सलाहियतों के साथ साथ अंजाम देता है. प्लानिंग को कहा कि प्लानिंग को उन्होंने फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया. नंबर वन था बजटिंग और फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपकी कंट्रोलिंग है, इनोवेटिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है. ये सारी जो ये था कि बजट के साथ आपकी प्लानिंग के साथ आपकी बजट और ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, उसके दरमियान आपकी कंट्रोलिंग है, आपकी इनोवेटिंग है, मोटिवेशन और डिसीजन जो था वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लानिंग के उन्होंने डिसाइड किया. ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग मेकिंग और ह्यूमन रिलेशंस प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग उन्होंने जो था वो किया. फिर मेजर मेजर मैनेजमेंट फंक्शन था उसमें डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन में उन्होंने पहले प्लानिंग को देखा, फिर प्लान के साथ उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन, इनोवेशन, रिपोर्टिंग, कंट्रोलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड ह्यूमन रिलेशंस कोऑर्डिनेशन को उन्होंने इस्तेमाल किया. लेवल ऑफ मैनेजमेंट के आपका जो का लेवल है वो क्या है और उसको आपने कैसे मैनेज करना है, तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और डायरेक्टर्स होते हैं आपके. फिर आपके पास आ जाते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, डिप्टी और इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं. फिर थर्ड वन आ जाते हैं सुपरवाइजर, कंट्रोलर, कोऑर्डिनेटर्स एंड इंस्पेक्टर्स आ जाते हैं. तो सबसे जो पहला है वो सबसे टॉप मैनेजमेंट होती है. उसमें आप देखते हैं कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के सबसे पहले लेवल पर चंद स्किल्स की जरूरत होती है, और यहाँ जो है वो आपकी प्लानिंग और आपकी जो एक कॉन्सेप्चुअल एक्टिविटीज है उन पर जोर दिया जाता है, जबकि अफराद के साथ काम करने पर तवज्जो नहीं होती. और इसका जो आपका प्रेजेंट की प्लानिंग की जाती है, जैसे कि एक्टिविटीज के बड़े या एरिया पर और या छोटे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो मकासद और पॉलिसीज को उधर देखा जाता है. ज़ाहिर है ये एक टॉप मैनेजमेंट वाले होते हैं, ये आपके पास बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स और डायरेक्टर्स उन्होंने उस लेवल के मुताबिक जो है वो देखना होता है कि हमने जो एग्जाम्स हैं उनको किस मेथोडोलॉजी के थ्रू लेने हैं, बोर्ड्स किस तरह जो है अपने मैनेज करेगा पेपर्स को, वो किस तरह की एक्टिविटीज होंगी, रिजल्ट किस तरह कंपाइल होगा, कब किस सिचुएशन के मुताबिक कब कब हमें पेपर लेने, तो ये उनके काम होते हैं. तो ये वो वाली एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर रहे थे. फिर हेड ऑफ डिप्टी
एंड इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, इस में आपके पास ये कि मिडिल मैनेजमेंट आ जाती है। तो मिडिल मैनेजमेंट में ये कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रैक्टिकल में लीडर्स पॉलिसीज का जो है वो किया जाता है, और रोजमर्रा दी जाने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर नज़र रखी जाती है। उसके साथ मिडिल जो लेवल की लीडरशिप है उसमें अमूमन जो आपके अंडर काम करने वाले हैं उनकी जो पेज है और पेज देना और इन्हें मोटिवेट करना और इनकी इनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को हेड ऑफ डिपार्टमेंट समझे, या जैसे कि स्कूल के हेड्स होते हैं तो हेड ही जो है वो भी ओवरऑल पूरे स्कूल को जो है वो देख रहा होता है और वो करते हैं। फिर उसके बाद ये है कि उनकी इसके अलावा उनकी ट्रेनिंग के लिए मीटिंग्स जो है वो हेल्ड की जाती है, उनकी कोलैबोरेशन के से उनकी कोलैबोरेशन और उनकी मुशावरत वगैरह का इंजाम दिया जाता है। और सिंपल ये और मुख्तसर ये कि जो मिडिल लेवल के लीडरशिप है उसको लॉन्ग टर्म एम्स के मुताबिक जो है उनकी रिजल्ट जो है वो अनाउंस किए जाते हैं और उनको देखा जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है लोअर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट आ जाती है। तो लोअर सुपर मैनेजमेंट में पहले में आपने बोर्ड ऑफ गवर्नर डायरेक्टर में आपने टॉप मैनेजमेंट को देखा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट में आपने मिडिल मैनेजमेंट को जो है वो देखा, देन द मैनेजमेंट पैरामेट जो है उसमें फिर लोअर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट आ जाती है। तो इनका ये काम होता है कि ये लोअर सुपरवाइजरी लीडरशिप जो है या मैनेजमेंट है वो डेली एक्टिविटीज की प्लान करते हैं और ऐसे प्लानिंग बनाते हैं जिनकी तकमील या जिनकी कम्प्लीटेशन के लिए वर्कर्स के जरिए की जाती है, यानी उनको उनके मुकम्मल करने के लिए उनको कम्प्लीट करने के लिए ऐसे वर्कर्स होते हैं जो उनको कम्प्लीट करते हैं और इनके परफॉर्मेंस को जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि वो मेजर काम जो है वो कर रहे होते हैं और उसको वो देखते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट क्या, आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं स्कूल मैनेजमेंट के वो क्या होंगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर स्कूल मैनेजमेंट आर द सेम एज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1979। तो उन्होंने जो था वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट के कैसे होने चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे जिनको वो बेहतर और अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे, और एक अच्छा जो आपका नज्म व नस्क है या मैनेजमेंट है वो कैसे बेहतर से टू फॉस्टर अ डीप एंड अबाइडिंग लॉयलिटी टू इस्लाम एंड पाकिस्तान, कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन और अच्छी मैनेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइज में भी खूबियाँ होनी चाहिए जो किसी अच्छे जो आपके कायद है या जो आपके लीडर का खासा होना चाहिए। मसलन अच्छे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जिसमें तमाम इंसान जो है और ये काम जो है किसी लीडर की जो सुपरविजन में ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। फर्स्टर ये है कि द क्रिएट अवेयरनेस दैट एवरी स्टूडेंट इज अ मेंबर ऑफ मुस्लिम उम्मा, और आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को फैलाना है, इस चीज़ को बताना है कि आप कि तमाम जो मेंबर्स हैं वो मुस्लिम उम्मा से रिलेट करते हैं, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ इस्लाम कि मुस्लिम उम्मा के हवाले से हमने अपना जो पैगाम है इस्लाम का वो फैलाना है और इस्लाम के पैगाम को हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्प्रेड करना है। Then to produce citizen acquainted with the ideology function foundation of Pakistan, और आपने ऐसे शहरी पैदा करने हैं जो एक तो आइडियोलॉजी फाउंडेशन यानी जो मुसलमान आइडियोलॉजी फाउंडेशंस को प्रेफर करें, उनको जो है वो तरक्की दें और उसके बारे में फोकस करें। टू इनकल्केट द टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना, और वो लोगों में स्टूडेंट्स में कुरान और सुन्नत की तालीम को इनकल्केट करें, कुरान और सुन्नत की तालीम दें, कुरान और सुन्नत की जो तरबियत है वो दें और लोगों को जहन में कुरान के बताए हुए अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए उन चीज़ों को फॉलो करें।
है कि टू प्रोवाइड एंड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशनल टू ऑल द सिटीजन. के दूसरा ये है कि ऑब्जेक्टिव स्कूल मैनेजमेंट में कि आपने एक तो प्रोवाइड करना है और आपने इंश्योर करना है कि सबके साथ एक जैसी सबको अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाए ऑफ एजुकेशन के तमाम अपॉर्चुनिटीज सबके लिए इक्वल हो टू ऑल द सिटीजन. तमाम शहरी जो है उनको एक जैसी तालीम जो है वो दी जाए और टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेट एंड डेवलप क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ द पीपल. और लोगों में एजुकेशन को डेवलप करने और उनके अंदर क्रिएटिव एबिलिटीज काबिलियत जो है वो उसका रुझान बढ़ाया जाए और उनको उसकी तालीम दी जाए. To provide fundamental education of all irrespective of faith, caste, creed, etc. कि आपका जो टू प्रोवाइड टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन, इसमें यह है कि आपकी जो मियारी तालीम की फ्राहमी को यकीनी बनाना और हर फर्द को इनकी एबिलिटीज और इनकी काबिलियत के मुताबिक उनको तरक्की देना और उनकी तरबियत के जरिए इनकी सलाहियत को परवान चढ़ाना ताकि हमारा जो समाजी सकाफती और पैदावारी को मौसर अंदाज में कंट्रोल कर सके. फिर नेक्स्ट है कि टू प्रोवाइड फंडामेंटल एजुकेशन टू ऑल इररिस्पेक्टिव ऑफ फेथ कास्ट एंड क्रीड एक्सेट्रा. और अपनी एक तो फंडामेंटल एजुकेशन खानगी को कम अज कम काबिल कबूल दर्जे को यकीनी बनाना, आपका जो अकीदा है, आपकी ज़ात है और आपका जो मजहब है या आपका जो मसलक की तफरीक से बाला तर होकर हर शहरी बिलखसूस जो नौजवानों की बुनियादी लाजमी तालीम जो उनको फराहम करना ताकि उसे वो इल्म हासिल करके अपने आप को बेहतर और अच्छा तरीके से करें. देन एट वन है कि टू क्रिएट इंटरेस्ट एंड लव फॉर लर्निंग. और जो आपके यंगस्टर्स हैं उनमें तालीम और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से उनमें दिलचस्पी पैदा करना और इस बात को भी यकीनी बनाना ताकि हर जो यंगस्टर्स हैं ये जवान हैं इस रियलिटी से वाकफ हो जाए कि तालीम जो है उम्र भर जारी रखने वाला एक प्रोसेस है. नंबर एक है कि प्रमोट एंड स्ट्रेंथन साइंटिफिक वोकेशनल एंड साइकोलॉजिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द कंट्री. तो लास्ट ये है, वो कहते हैं कि आपने मुल्क में आप जो है एक तो साइंस की जो तालीम है या साइंस को पेशेवराना और साइकोलॉजी की जो तालीम है उसकी ट्रेनिंग और क्रिएटिव और तहकीक को फ़रोग देना, तकवीत बख्शना और इस इल्म के ज़रिए कौम की समाजी और माशरती तरक्की को यकीनी बनाना है. तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि हम स्कूल मैनेजमेंट में हम बच्चों को तालीम देते वक्त हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है और हम इन चीज़ों को जब तक हम अपने इंस्टीट्यूट में इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो उस वक्त तक हमारी जो तालीम है बेकार है. अगर हमसे हमारे पास ये है के कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन स्कूल मैनेजमेंट के बारे में हम देखते हैं कि आपको वहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और उनको हम कैसे जो है वो देखते हैं. तो नंबर वन है सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट है. फिर आपकी इनपुट क्या हो सकती है, आपका प्रोसेस क्या है और आपका आउटकम्स क्या है, उनको हम जो है वो देखते हैं. इसमें ये देखें कि हमारी जो इनपुट है वो रिसोर्स एंड पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव्स है, प्रोसेस है मैनेजेरियल प्रोसेस एंड प्रोसीजर कैसा होगा. आप प्रोसेस में हम इनपुट में हम देखें कि हमारे जो रिसोर्सेज है वो क्या है और हमारी जो पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव्स है हमारी जो वो क्या होंगे, हम उनको कैसे इनपुट करेंगे. और जो प्रोसेस है उसमें हम क्या आगे देखें, मैनेजेरियल प्रोसेस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको हम फॉलो करेंगे तो तब हम जो है चल सकते हैं. आपका प्रोसीजर्स कौन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स होंगे जिनसे हम गुजर कर अपने प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं. और फिर आउटकम्स क्या है कि रिजल्ट और जो उसके बाद जितने भी प्रोसेस से हम गुजरेंगे और एंड पे हम उसकी जब एवेल्युएशन करते हैं हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम हमारा जो रिजल्ट है हमारे जो टारगेट्स हैं हम कहाँ तक अचीव कर सके और हम अपने टारगेट्स को कहाँ लैग कर रहे हैं या कहाँ हमने अचीव किए. तो जो हमें वीकनेसेस नजर आती है तो हम उसको अगले साल कोशिश करते हैं कि वो चीजें दोबारा हमें ना हो और हम उनको वो गलतियां दोबारा ना करें ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें वो वीकनेसेस खत्म हो जाए.
इन मैनेजमेंट, तो जाहिर है जब हम ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो हमें अपने जो कुछ मसाइल का भी हमें सामना करना पड़ता है कि उसमें हम ये देखते हैं कि आपको इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सेटल डाउन करेंगे. तो इनपुट इश्यूज ये है कि रिसोर्स इश्यूज, कि ह्यूमन स्टूडेंट स्टाफ मटेरियल फंड्स फैसिलिटीज इक्विपमेंट्स एंड कंसंट्रेन पॉलिसी रेगुलेशन आइडियोलॉजी. इनपुट में हमें यह है कि इनसे हमें स्टूडेंट्स से और साजो सामान है, फंड्स आते हैं आपके आपके पास, सहूलियात है, सामान है और इसके साथ पॉलिसीज कवायदो जवाबत हैं और आपकी वगैरह जो है शामिल होते हैं. इनसे हमें जो है स्टूडेंट्स और स्टाफ को इन चीज़ों की दिक्कत पेश आती है. फिर प्रोसेस इश्यूज में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजेरियल इश्यूज इंक्लूडिंग पावर सर्कुलर अथॉरिटीज टीचिंग स्ट्रेटजीज नेचर ऑफ प्रोग्राम्स एंड ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस इन एजुकेशन. इसमें जो ये तरीके अमल है या तरीके प्रोसेस है उसमें इससे मुतल्लिक मसाइल आपको जो हमें प्रैक्टिकली प्रोसेस करते वक्त आ रहे होते हैं, इनमें आपके ऑर्गेनाइजेशन के मसाइल हैं जैसे कि करिकुलर अथॉरिटी है उनको पेश आ रहे होते हैं, आपकी जो स्टडी से रिलेटेड स्ट्रेटजीज है, प्रोग्राम्स की नौयत और मजमूई तौर पर जो तालीमी नतीजे मुहैया करने का जो प्रोसेस होता है उसको हमने देखना था कि वो उस प्रोसेस में हमें जो जो जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि इस प्रोसेस से जब आप गुजरते हैं तो एंड पे जब हमारे जो चीजें हैं वो आपको नजर आ रही होती है तो उस वक्त हमें ये देखना है कि एंड पे जब एवेल्युएशन करने के बाद जो जो बैक एरियाज फील होते हैं या आपने पूरा साल में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप पीछे हैं तो आप एवेल्युएशन के बाद उनको नेक्स्ट ईयर में वो खत्म कर देंगे, उनकी जगह आप नई स्ट्रेटजीज नई पॉलिसीज लाएंगे ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर और अच्छे तरीके से चल सके. फिर आउटपुट इश्यूज आ जाते हैं आपके इश्यूज ये कि द रिजल्ट ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट रिटेंटेन सिस्टम इज मीटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर सेटिंग इट अप. उसमें हम ये हमारा जो एजुकेशनल प्रोसेस का जो रिजल्ट है जो कामयाब स्टूडेंट्स होते हैं जो सक्सेस होते हैं और तादाद उनकी स्ट्रेंथ क्या है, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की जो परसेंटेज है और आपके जो गोल सेटअप है उनमें सक्सेस कितनी हुई है, उस जैसे मसाइल जो है वो शामिल होते हैं हमारे आउटपुट इश्यूज में. तो इनको भी रिजॉल्व करने ये है कि देखा जाता है कि हम कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं तो हम इनको खत्म करें, इश्यूज को हमने कैसे सेटल करना है. तो फिर ये मैनेजमेंट का काम है और एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो बैठे करें और उसके बाद अपने इसको रिजॉल्व करें. देन सोशल इश्यूज आ जाते हैं आपके. सोशल इश्यूज भी डेफिनेटली ये हमारे इश्यूज हैं, इनमें द सोशल पॉलिटिकल कल्चर इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल इश्यूज इट विच इफेक्ट्स द मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन. इसमें ये है कि आपकी जो समाजी है सोशल है आपके पॉलिटिकल है आपके कल्चर यानी आपके कल्चर से हम बिलोंग करते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी है इकोनॉमिक है इश्यूज है, इस मुतलका मसाइल जो है वो शामिल होते हैं जो कि हमारे एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन पर भी असरअंदाज होते हैं. तो इसमें हमें इन चीज़ों को देखने के हम इनको कैसे ख़त्म कर सकते हैं. ज़ाहिर है आप पॉलिटिकली भी चीज़ें जो है वो कुछ प्रेशर्स होते हैं, कुछ हमारे कल्चर से रिलेटेड होते हैं कि वो भी हमें बाउंड कर लेते हैं. इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल इश्यूज भी हैं, तो टेक्नोलॉजी में बहुत ही पीछे दुनिया से आगे भी पता नहीं क्या कुछ करें, मगर हम मुश्किल स्मार्ट स्क्रीन पे आए हैं तो वो लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए और हम अभी व्हाइट बोर्ड और चीजों को नहीं छोड़ रहे. तो ये जो ये सोशल इश्यूज जो है वो भी हमारे जो है वो क्रिएट करते हैं. तो इनको रिसॉल्व करना जो है फिर हम उसी ऑर्गेनाइजेशन का ही काम है कि वो उनको कैसे रिसॉल्व करती है. इट्स डिपेंड अपॉन देम दैट हाउ दे रिसॉल्व दिस इश्यूज. अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थ्री बेसिक प्रोसीजर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इश्यूज.
कि अब हमें इनके मसाइल का जो हल होगा वो हम कैसे करेंगे, उसको हमने कैसे करना है. तो थॉटफुल एंड रिफ्लेक्टिव एनालिसिस ऑफ दिस इशू, देयर ओरिजिन, मैग्नीट्यूड, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस इन शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस एंड द पॉसिबल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को हमने करना है. इसमें यह है कि हमें जो एजुकेशन है इसको इस मेथड के साथ और ऐसी मैनेजमेंट को जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. सहूलियात का जो है फुकदान का मसला, यानी फंड्स अमले वगैरह का फुकदान है, इसके हम कर सकते हैं. फिर आपके पास और जो आप इश्यूज को मेथडोलॉजी या प्रोसेस के थ्रू करते हैं, तो उसमें यह है कि आप जो आपका सिलेबस है वो मियार से मुतलका जो सिलेबस आपका होता है उससे रिलेटेड आपको जो मसाइल है उनको आपने देखना है. फिर तालीम को या एजुकेशन को बेहतर और सूटेबल बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट को प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करना है. फिर आपके पास जो स्टैंडर्ड मियार के हामिल जो एजुकेशन प्रोसेस को मुंतखब करने के मसाइल उनको सॉल्व करना है. तालीम और इम्तिहान के अमल के जो स्टैंडर्ड बनाने के मसाइल उनको थ्रू रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन. उसमें हम ये देखते हैं कि तीन जो ये के बुनियादी तरीकों को हम तालीमी एडमिनिस्ट्रेशन के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइल को हम हल करने के लिए क्या क्या हम मसाइल को एक तो मसले के असल जो उसकी मेन रूट है या वापस है उसकी सिग्निफिकेंस, उनके रिजल्ट्स और उनके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जितने भी स्ट्रेटेजी उनका एनालिसिस किया जाता है, तो इससे चीजें जो है वो प्रॉब्लम्स खत्म हो सकते हैं. फिर थ्रू रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, आप रिसर्च के थ्रू और इन्वेस्टिगेट करके अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो सर सकते हैं, क्योंकि जो रिसर्च है उससे मतलब जो टर्म्स हैं या जो पॉइंट्स हैं उनको हम एनालिसिस करना मुमकिन होता है और इस मसले के हल के हवाले से हम जो है एक सूटेबल स्ट्रेटजीज जो है इस्तेमाल करके राय भी दे सकते हैं, अपनी तजवीज जो है वो पेश कर सकते हैं. फिर आपके पास आ जाते हैं थ्रू डिस्कशंस वर्कशॉप्स. फिर हम अपनी डिस्कशन के थ्रू मीटिंग्स के थ्रू आप मिलकर बैठ कर एक दूसरे से जो है वो कर सकते हैं टू हाईलाइट द इम्प्लीकेशन शॉर्ट लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑन मैनेजमेंट प्रैक्टिस. इसमें आप जो आपके डिस्कशंस हैं आपकी वर्कशॉप्स के जरिए जो आप मसाइल को हल करने के हवाले से भी आपको मदद मिलती है और उनसे हमें चीजें जो है वो समझ आती है. जो एक्चुअल रीजन होती है उस तक हम तभी पहुंच सकते हैं कि सब अमला बैठ जाए, सबकी बात सुनी जाए और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए उसके बाद हमें खुद ब खुद जो मसाइल है उनकी तह तक हम पहुंच सकते हैं और उन चीजों को हम जो है वो. तो प्रिंसिपल्स आ जाते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम देखकर जो है अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं. तो प्रिंसिपल्स आर यूजफुल टू मैनेज जस्ट फॉर सेवरल. इसमें हम ये है कि हम देखते हैं कि आपका जो फर्स्टली द हेल्प मैनेजर टू मेक मोर एक्यूरेट डिसीजन टू द एक्सटेंट दैट मैनेजर कैन अप्लाई प्रिंसिपल्स इन एनी सिचुएशन एंड एलिमिनेट गेस वर्क साउंडर डिसीजन शुड रिजल्ट. तो कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके गोल्स के साथ ऑर्गेनाइज की जाने वाले उसके जो पर्सनल गोल्स मुकम्मल तौर पर जो है हम आम होने में होने चाहिए. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी एम्स को जो है वो पीछे कर देती है या उस पर फोकस नहीं करते तो अपने काम के जो गोल्स हैं उनको मुतय्यन करता है, तो ये सूल तौर पर एक नेगेटिव और टोटली एक गलत कदम होता है. तो सेकेंड बाय प्रिंसिपल सेव टाइम. दूसरा ये कि हमें अपने टाइम को सेव करना है. इफ वन लर्नर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन स्कूल फॉर एग्जांपल लेस एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड टू बिकम एन इफेक्टिव मैनेजर्स डिस्कस
can be made more rapidly and accurately when principles provide guidelines. Will enable the people to may pass no information from one generation to the next. Great is occur when a generation must learn through experiences along with the previous generation and already learned through experiences. तो इनके थ्रू जो है आप अपना जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप प्रिंसिपल्स के आपने मैनेज करने के प्रिंसिपल्स हैं वो कैसे होंगे उनको देखते हैं. तो प्लानिंग प्रिंसिपल्स हैं, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स हैं, स्टफिंग प्रिंसिपल्स हैं, कंट्रोलिंग प्रिंसिपल्स हैं एंड डायरेक्टिंग प्रिंसिपल्स हैं. तो चलें 15 मिनट की ब्रेक लेते हैं. प्लानिंग प्रिंसिपल्स क्या होंगे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, नंबर टू प्रिंसिपल ऑफ एडुकेट अल्टरनेटिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिजेनियस जो है उसको हम देखते हैं. तो प्लानिंग शुड बी विद द क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द प्राइमरी गोल्स. उन्होंने जो प्रिंसिपल्स प्लानिंग प्रिंसिपल्स में उन्होंने जो चीज बताई उन्होंने कहा कि हमें प्रिंसिपल्स ऑफ द प्लानिंग शुड बीइंग विद क्लियर कट. जो प्लानिंग करे वो क्लियर हो, उसमें कोई किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम्स ना हो. जो आप टारगेट सेट करें या जो आप चीजों के प्लान बनाए वो क्लियर हो, उनमें कोई किसी किस्म का शक शुबे की गुंजाइश ना हो. स्टेटमेंट ऑफ द प्राइमरी ग्रोथ कि आपकी जो प्राइमरी के गोल्स हैं वो स्टेटमेंट आपकी एक्यूरेट हो. देन नंबर टू प्रिंसिपल ऑफ एडुकेट अल्टरनेटिव्स के द ग्रेटर द नंबर एंड वेराइटी ऑफ alternative presented to solve the problems. के जो आपके alternative goals हैं greater the numbers and variety. उसमें जितनी number या जितनी भी आपने varieties डाली हैं उनको इस तरह बनाया जाए कि उनको solve किया जाए, वो problem solving हो, उनमें कोई किसी किस्म की अगर कोई आप problems आ रहे हैं तो उसका alternate कोई ऐसी चीज निकाली जाए जो आपके rules को मजबूत और strong कर सके और बेहतरी की तरफ ले आए. Then third principle of contingencies. A plan should have built into it prescribed action to cover contingencies. जाता है कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होगी आपकी. नंबर टू पे उन्होंने प्लानिंग की बात की, उसका ऑर्गेनाइजिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन जो बना रहे हैं उसके क्या असूल होंगे, वो कैसे जो है वो अपने प्रिंसिपल्स को ऑर्गेनाइज करेगी. यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल, एक तो जो आप प्रिंसिपल कमांड कर रहे हैं आप इत्तेहाद होना चाहिए, इन सबको मिलकर एक ही जो चीजें उन्होंने बनाई हैं प्रिंसिपल की है उनको कमांड कर रहे हैं तो सब उसको एक ही नजर से देखें और सब फॉलो करें. ना ये हो कि जो मेंबर्स आपने रखे हैं एक जो है अपनी बात मनवा रहा हो अपने काम कर रहा हो दूसरा अपने कर रहा हो, तो इस तरह भी जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं चल सकती. तो एडुकेट ऑफ अथॉरिटी प्रिंसिपल, और जो अथॉरिटी है हमारी उसको प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और वो जो कुछ कहे उनके हुक्म की हमें पाबंदी करनी चाहिए. चेन ऑफ कमांड प्रिंसिपल, और जो आपकी एक ऐसी चेन होनी चाहिए कमांड की जो कि प्रिंसिपल को फॉलो करे. जो आप ऐसी चेन बनाए कि जो चीजें आप कमांड करें वो एक दूसरे से जुड़ी हो. यानी फर्ज किया कि आपने कोई लिटरेचर से रिलेटेड प्रिंसिपल बनाया है तो उसको आप इस तरह लेकर चले जैसे फर्स्ट डे से जैसे बच्चे को ABC सिखाई जाती है उसके बारे में अल्फाज की पहचान, अल्फाज का बोलने का अंदाज, फिर उनके जोड़, फिर उनके तोड़ से अल्फाज बनाना, अल्फाज के बाद जुमले बनाना, जुमले के बाद पैराग्राफ लिखना, पैराग्राफ के बाद कहानी, कहानी को फिर इंटरेस्टेड वे से गया. यानी इस तरह यह है कि आपका जो ये चेन है ये इस तरह जुड़ी हो कि चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली स्मूथ होती जाए, उसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम्स का हमें सामना ना करना पड़े. प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल क्या है कि यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल होना चाहिए. व्हेन एन इंडिविजुअल रिपोर्ट टू अ यूजिंग सिंगल सुपरवाइजर पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस शुड बी क्लियर. कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रिंसिपल जो है एडुकेशन ऑफ अथॉरिटी प्रिंसिपल
sufficient authority to accomplish a task should be given to the person who is accountable for the result. और आप अपनी जो authority है अपने जो authority है एक sufficient जो authority है जो एक मंची भी एक polished एक सही सीखने वाली है और हर चीज में महारत रखने वाली है वो उसको टास्क दिया जाए और वो अकाउंटेबल हो अपने रिजल्ट की कि जो कुछ मैं काम करवा रहा हूँ वो उसका रिजल्ट जो है वो अकाउंटेबल होगा उसके रिजल्ट्स क्या होंगे उसके आफ्टर और बिफोर क्या रिजल्ट है उनको हम कैसे लेकर चलते हैं. पीपल ऑफन आर गिवन अ गोल बट आर नॉट गिवन एनफ पावर और अथॉरिटी टू अचीव इट. और लोगों को कुछ गोल दिए जाते हैं बट नॉट गिवन इवन पावर ऑफ उनको अथॉरिटी नहीं दी जाती कि वो अपने इसको अचीव करें. तो स्केलर चेयर ऑफ कमांड प्रिंसिपल व्हेन द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द मोस्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव फ्लो क्लियरली टू ईच सक्सेडेड लोअर लेवल पोजीशन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटी इज इजीली अंडरस्टूड. तो प्रिंसिपल्स आ जाते हैं कि स्टफिंग में जो है सक्सेस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजिंग एवेल्युएटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट. इसको फिर देखते हैं कि स्टफिंग में आप जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग सक्सेसर कैसे होना चाहिए कौन कौन से आप अपनी सक्सेस को डेवलप करने के लिए प्रिंसिपल जो है वो में आप जब एवेल्युएट करेंगे तो ये मैनेजर को जो आप मैनेज करने के लिए चीज़ें दी जाती हैं जो मैनेज करता है उसकी भी एवेल्युएशन है कि आया एंड उसने जो थ्रू आउट जो ड्यूटीज उसको असाइन की गई थी आया उसने उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया है या नहीं किया. फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजिंग डेवलपमेंट के जो मैनेजमेंट है उसकी डिवेलपमेंट में क्या क्या तरक्की है उसके क्या रूल्स हैं क्या रेगुलेशन है उसको कैसे उसने डिवेलप किए इन चीज़ों को जो है वो देखती है. फिर नेक्स्ट आप आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपिंग सक्सेसर. ईच मैनेजर शुड ट्रेन सबऑर्डिनेट टू बी रेडी टू टेक ओवर हिज और हर जॉब टेम्पोरेली और परमानेंटली वाइल ऑफन वायलेटेड. दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड टू इफेक्टिव मैनेजमेंट आउट ऑफन हर इन इज नो बैक अ पर्सन एबल टू फिल मैनेजर पोजिशन आफ्टर हिज ही और शी रिजाइन हिज प्रमोटेड बिकॉज इल और टर्मिनेटेड. तो ये है कि प्रिंसिपल डिवेलपिंग सक्सेसर का यही मेजर रोल है कि जिसमें हम देखते हैं कि हर मैनेजर जो है वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको किस तरह ट्रेन करते हैं और टू रीड टू टेक ओवर हिज और हर जॉब कि वो अपनी उसको उसकी जॉब को टेम्पोररी या परमानेंटली लेकर कैसे चलते हैं वाइल ऑफ अनवायलेटेड या उसे वायलेट कर देते हैं. This principle is based to effective management. और ये जो चीज़ है ये आपके मैनेजमेंट को बहुत असर करती है क्योंकि आपका जो मैनेजर है मैनेजमेंट है उसने अपने सबॉर्डिनेट को इस तरह तैयार करने हैं कि वो अपने काम को बेहतर और अच्छे तरीके से चला सके. ऑफन ही हर इज नो बैकअप पर्सन एबल टू फिल मैनेजर पोजिशन आफ्टर ही और शी रिजाइन के क्योंकि वो अपनी जगह पे एक प्रॉपर और ईमानदारी से काम करेगा सही अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करेगा और अपने टारगेट्स को अचीव करेगा तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में वो कामयाबी से चल सकते हैं. तो बिकम इल और टेड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर्स एवेल्युएशन मैनेजर्स आर बेस्ड एवेल्युएटिंग इन टर्म ऑफ द रिजल्ट्स दे अचीव. This principle in easiest way would apply when results are quantitative. के एवेल्युएशन जो है वो मैनेजर बेहतर तरीके से एवेल्युएट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ रिजल्ट दे अचीव कि उन्होंने पूरे रिजल्ट में किस तरह अपने टारगेट्स को अपने रिजल्ट को अचीव किया है. दिस प्रिंसिपल इजीएस्ट वे टू अप्लाई व्हेन रिजल्ट्स आर अकाउंटेबिलिटी. तो ये चीज़ें जो है एक ईजी वे से हम कर सकते हैं इनको अप्लाई कर सकते हैं इनसे हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजिंग डेवलपमेंट तो सेंस परफेक्शन in management is unattainable. There is always room for a manager to improve. Therefore, an organizational element encouraging additional training and development should be created.
इसमें यह कि परफेक्शन जो है वो एक अनअटेनेबल लिमिट है. देयर इज ऑलवेज रूम फॉर अ मैनेजर टू इम्प्रूव. और यह है कि मैनेजर्स के रूम में जाकर जो है वो चीजें समझाई जाए, उनको अपने जो वर्कर्स हैं, अपने जो सबॉर्डिनेट हैं, उनको आप बता सकते हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. देयर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट द इनकरेज एडिशनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट शुड बी क्रिएटेड. कि इस तरह अगर आप सारों के सामने किसी की इंसल्ट करेंगे या किसी को बुरा भला कहेंगे या अपने सबॉर्डिनेट को, तो ये फिर जो है वो कोई अच्छी बिहेवियर में नहीं आता और इसको अच्छा समझा भी नहीं जाता. में आ जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड्स के कंट्रोल में जो प्रिंसिपल है उनमें आपने कंट्रोलिंग में देखने कि आपके जो रूल्स है, ये जो आपके लॉज हैं, उनके स्टैंडर्ड्स के हैं. प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस आपकी जो प्रिंसिपल फॉर मेजरमेंट फॉर परफॉर्मेंस और आपकी जो मेजरमेंट है प्रिंसिपल परफॉर्मेंस की वो क्या होनी चाहिए. प्रिंसिपल कुरेक्टिव एक्शंस और वो अपना जो एक्शन है कुरेक्टिव एक्शन कैसे ले सकते हैं, ये कंट्रोलिंग प्रिंसिपल्स के असूल है जिनको हम देखते हैं. उसमें इसमें ये है कि प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड के आपका जो स्टैंडर्ड है कंट्रोलिंग प्रिंसिपल में, आपका प्रिंसिपल में स्टैंडर्ड क्या है, व्हाट इज स्टैंडर्ड शुड बी सेट फॉर ऑल एक्टिविटीज. और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है या जितनी भी सरगर्मी हम स्कूल में करवाते हैं उनको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है अपने. व्हाट इज एक्सेप्टेबल शुड बी डिफाइंड क्लियर एंड क्रिस्टली एज पॉसिबल फॉर ऑल टास्क. और उनको एक्सेप्ट करना जो है वो क्लियरली सबने करना है. उसको जो टास्क दिए जा रहे हैं उनको बेहतर और अच्छे तरीके से आपने जो है करना है. प्रिंसिपल और मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, फिर आपके जो मेजर परफॉर्मेंस की जो मेजरमेंट है उसमें आपने जो स्टैंडर्ड्स आर यूजलेस एंड अनलेस एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर एंड कंपेयर्ड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड मेजरमेंट मे टेक मेनी रिफॉर्म्स बट रिगार्डलेस ऑफ मेथड एंड एक्टिविटी शुड बी एवेल्युएटेड. फिर प्रिंसिपल ऑफ कोरेक्टिव एक्शंस, व्हेन मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेट अ स्टैंडर्ड इज नॉट बीइंग मेट, एप्रोप्रिएट कोरेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन. फेलियर टू करेक्ट व्हाट इज रॉन्ग लीड टू वेस्टेज ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेस. अच्छा, नेक्स्ट आपका आ जाते हैं कि डायरेक्टिंग प्रिंसिपल आ जाते हैं. उसमें प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजर्स एग्जांपल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशंस. तो ये जो था कि जो ऑर्गेनाइजेशन का काम उन मकासद को हासिल करने के लिए अपनी टीम की जो है रहनुमाई करते हैं, और ये मुख्तलिफ किस्म के डिसीजन के हवाले से जारी रहने वाले प्रोसेस हैं. इसमें इंतहाई खास और आम कंडीशन के अहकाम और इंस्ट्रक्शन के बारे में डिसीजन किए जाते हैं. और जो आपकी मुहिम है वो टीचर्स के तौर पर काम करना पड़ता है. इस सिलसिले में हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप की एबिलिटीज बहुत अहमियत की हामिल होती हैं. ऑर्गेनाइजेशन चूंकि आपकी अथॉरिटी का रोल उसके पास होते हैं, इसलिए वो अपनी टीम के किसी भी रुकन की डिफिकल्टी को ब्रॉड थिंकिंग देख रहा होता है. मसले को हल करने के लिए वो कोई भी एक अकलमंदाना फैसला करता है, और इस मसले के हल के लिए वो तमाम जो मशीनरीज हैं उनको एक्टिव कर सकता है. इस सिलसिले में इसकी लीडरशिप की एबिलिटी ही काम आती है. और लीडर की हैसियत तस्लीम करते हुए हमें ऑर्गेनाइजेशन की आला राय को जो है अहमियत देनी होती है. अगर ऑर्गेनाइजेशन आला और लीडरशिप की एबिलिटीज रखती ना हो तो ये टीम मजबूत अंदाज में काम नहीं ले सकती. तो डिसीजन के हर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन की लाजमी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ऑर्गेनाइजेशन की तकरीबन तमाम ही जो एलिमेंट्स हैं उनको करेक्ट डिसीजन की समझा जाता है, जो कि हमारी लीडरशिप की बगैर मुमकिन नहीं है. और इस डिसीजन की जो है काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं जिसमें हम
देखने के मसले को शनाख्त कैसे करना है, मसले की डेफिनेशन करना और इसका एनालिसिस कैसे करना है, उसका अल्टरनेट हल का एनालिसिस कैसे करना है, और जो मौजू तरीन जो सूटेबल प्रॉब्लम का हल है उसका हमने कैसे इंतखाब करना है और मुंतखब करदा हल को अमली जमा पहनाना है। तो जो हमारी प्लानिंग और जो है वो उसकी लीडरशिप की एबिलिटीज क्या है कि कोई काम अगर हम प्लानिंग के साथ किया जाए तो उसमें तभी बेहतरी आती है, और जब हम एजुकेशन प्लानिंग की बात करते हैं तो उसमें हमें एम्स और इनके दायरे कार को की शनाख्त और उनकी लेवल का शामिल होती है। इस प्लानिंग में हमारे मकासद पर असर अंदाज होने वाले अवामिल का भी एनालिसिस किया जाता है, और प्लानिंग जो है हमारी कोलैबोरेशन के साथ किए जाने वाला वो काम है जिसमें हम उनके गोल्स और नतायज को मुकम्मल हासिल कर सकते हैं। प्लानिंग जो है अपनी नीड्स और तवक्कात की जो है वो तखय्युल होती है, और हमारे जो लीडर से बेहतरीन काम कोई काम नहीं कर सकते। ज़ाहिर है जो आपका लीडर होगा वो ही बेहतर और अच्छे तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाएगा और लीड भी करेगा, और चूंकि प्लानिंग किसी एक अकेले आदमी का काम नहीं है बल्कि इसके लिए आपस में हमारी कोलैबोरेशन होनी चाहिए, और इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की अहमियत में भी ज्यादा इजाफा इसी वजह से होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारे लीडर की हैसियत से तमाम टीम को जोड़कर मिलकर और उनकी कोलैबोरेशन से और उनके तावर से जो है वो चलाई जाती है। तो मुंतजमीन जो है या जो आपके वर्कर्स हैं उनकी प्लानिंग करते हुए अपने बिहेवियर्स में तब्दीली लानी चाहिए ताकि हम जो है वो हर एक दूसरे की इज्जत कर सके, और उनको प्लानिंग करते हुए ये भी बात रखनी चाहिए कि तालीम का जो नज्म व नस्क है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो और वो ठोस हो, और इन्हीं तजुर्बात और की वजह से हम जो है अपनी एजुकेशन की बेहतरी कर सकते हैं और तालीमी नज्म व नस्क में अपने जो हमारे गोल्स हैं उनको मुकर्रर करने और उनको एक एग्जांपल्स के तौर पर आज़ादी हासिल करना देखते हैं। ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें से